हाँ, तूने गोला ही नहीं किया था। अब चेक करने दे मेरे को। YouTube, कैन यू हियर मी? चैट बॉक्स में टाइप करो। वेटिंग है। आई होप, हाँ यस, यू कैन हियर मी नाउ। चलो, तुमने इसका रिकॉर्डिंग चालू किया? आईपैड कट मारा है उसने, देख। नहीं, आईपैड कट मारा है, ये देखो, उसमें पूरा आया है, इसमें कट मारा है। नहीं, रिकॉर्डिंग कैप्चर नहीं करना है, आईपैड ही कट मारा है उसने। क्या करना पड़ेगा? कट हो ही रहा है। क्यों? ठीक है, तुम्हारे को लिखते टाइम पे है, तुमको समझा क्या क्या हुआ है? वो यहाँ से ये नहीं दिख रहा है, वो 750, ये वाला, हाँ 2000 के उधर मेरे को शॉर्ट करना है। ठीक है, मैं कर लूँगा। चलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो ऑल ऑफ यू आर गैदर्ड अप फॉर हियर रिवीजन बैच फॉर दिसंबर 2022 एग्जाम। अच्छे से एक महीना आपको एक्स्ट्रा मिल गया है। नवंबर में एग्जाम था तो अभी दिसंबर जा चुका है। आज से लेके अगर हम बात करें तो अपने पास कितने दिन है? सितंबर के कितने दिन है? 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, और लगता है तुम्हारा दिसंबर का मेरे हिसाब से जीरो लेना चाहिए। और अज्यूम करो 1 दिसंबर को तुम्हारा एग्जाम है, इतना टाइम तुम्हारे पास अवेलेबल है, दैट इज 91 डेज। ऊपर का जो दिसंबर का मिलेगा वो भगवान का समझ के रख लेना। 91 डेज अवेलेबल है। पहली चीज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, इज इट पॉसिबल टू क्रैक द एग्जाम इन 91 डेज फॉर समवन हु हैज स्कोर्ड 120, 130? आई डोंट थिंक एनी वन विल बी बिलो 100 हियर। एक्सेप्शनल केस छोड़ दो, किसी एक ने 4 मार्क टाइप किए, उसका नाम मैं आपको 2-4 दिन में बोलता हूँ। मार्क्स कोड 1111, दैट वॉट एवर, बट 120 मार्क जिस बंदे ने स्कोर किए या वॉट एवर दैट मे बी, इज इट पॉसिबल बेसिकली टू क्लियर द एग्जामिनेशन इन दिस 91 डेज? रफली अगर मैं बोलूं तो आपको अगर 4 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, कितना टाइम लगेगा ये अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए? फॉर आई एम अज्यूमिंग एवरी वन हैज गिवन द एग्जाम हियर, ये रिविजन बैच है तो आपको थोड़ा बहुत विजन है, रिविजन देना है तो अकाउंट के लिए मेरे को लगेगा लगभग लगभग 150 घंटा। प्रिपरेशन की बात करो, लेक्चर्स की बात नहीं कर रहे हम। 150 आवर्स का प्रिपरेशन शुड बी इनफ फॉर यू पीपल। लॉ शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 100 आवर्स, राइटिंग प्रैक्टिस इंक्लूड करके, पढ़ के लिखना ये सब कुछ मिलके कितना घंटे? 100 घंटे मोटा मोटा बेसिस पे। मैथ्स मैं पकड़ूंगा 200 घंटे, कि मेजॉरिटी बच्चों का मैथ्स एज अ कॉन्सेप्ट वीक रहता है, तो आपको सेल्फ, दीज आर नॉट टीचिंग आवर्स, दीज आर वॉट, सेल्फ स्टडी आवर्स। सो मैथ्स इधर आ गया तुम्हारा। इको बीसी के थोड़ा सा कम हो सकता है, इको बीसी के एंड बीसीआर, इट माइट बी 50 आवर्स, बीसी के माइट बी 30, बीसीआर माइट बी अबाउट 40। कितना हो गया बच्चों टोटल? 5, 2, 7, 1, 570, 570 आवर्स। अपने पास दिन कितने हैं? 91, तो मेरे को चाहिए कितना दिन आर्स का पढ़ाई पर डे? 570 डिवाइडेड बाय 90 ले लो, 570 डिवाइडेड बाय व्हाट 90, कितना बनता है? 6.26, 6.5 ले लो आप।
6.5 hours, 6.5 hours है ये बैच. बच्चा कोई तो बोल रहा है सर आई एम गिविंग फॉर फर्स्ट टाइम. नहीं बेटा, ये बैच प्राइमरली ऐसे बच्चे की है, मतलब जो एग्जाम में ऑलरेडी दिया है उन बच्चों के लिए. 6.5 घंटे पढ़ना है आपको, लेक्चर्स आपके लगभग लगभग 6 घंटे चलेंगे. लेक्चर का टाइमिंग क्या है, मैंने ग्रुप पे 4 बार PDF भेजा था, तभी भी 2 बजे लेक्चर इंटर के बैच में आके बैठे और मैं बोनस शेयर से एक्सप्लेन कर रहा था. उनको लग रहा है कंपनी अकाउंट चल रहा है. तो उनका बोनस शेयर का पूरा मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ. बच्चा बोलता है सर ये कौन से चैप्टर में, मतलब कुछ नहीं कर सकते. तो ठीक है, सो आपका लेक्चर जो है लगभग 2:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक रहेगा. शेड्यूल आपको दिया है, ग्रुप में मैंने डाला है. 2:30 to 3:45 विल हैव इकोनॉमिक्स. इनिशियली कुछ दिन में बीसी के रहे, मतलब आपको वो स्लॉट नहीं है, एक दो चार दिन सिर्फ. सो 2:30 to 3:45 यू हैव इको ऑब्लिक बीसी के. देन 4:00 to 5:30 मैथ्स, 5:45 to 6:45 लॉ, एंड देन इवनिंग 7 PM to 8:30 PM और मे बी मोर आई विल टेक अ अकाउंट्स. ऐसा किसी को भूख लगती है केला लेके आओ, चीकू लेके आओ. लेक्चर के अंदर खाया मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ खाके जो भी विसर्जन करना है बाहर जाके करिए. बच्चों तो 6.5 घंटे आपको पढ़ने के लिए पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है. सुबह उठ के 7 से लेके 1 बजे तक आपका बीकॉम चल रहा होगा, घर वाले ने आपको ताने देने चालू किए होंगे, चल 12th मतलब इसमें फाउंडेशन में फेल होगा तो बीकॉम तो कम से कम अच्छा पढ़ ले, बीकॉम को कॉलेज को जा. घर वाले बोलते होंगे कॉलेज को जाने का, लाइब्रेरी में बैठने का या कैंटीन, मतलब कहीं तो जगह ढूंढ लो जहां पे जाके आप पढ़ाई कर पाओगे. क्योंकि आप अगर बीकॉम का लेक्चर्स भी अटेंड करोगे और उसके टॉप में आपको फाउंडेशन भी आपको करना है, थोड़ा सा मुश्किल जाएगा. बीकॉम सी देखो, आपका बीकॉम का अभी जो भी एग्जाम रहेगा वो जनवरी फरवरी मार्च 2023 में आएगा मेरे को लगता है. अभी आपका बीकॉम का कोई मेन एग्जाम नहीं रहने वाला, तो आपके पास इनफ टाइम है. मॉर्निंग में आपके पास इनफ टाइम अवेलेबल है, तो वो टाइम प्लीज आप यूज करके 6.5 घंटे पढ़ना. सी देखो, कुछ बच्चे का एक अटेम्प्ट हो गया होगा, कुछ का दो हो गया होगा, मेजोरिटी बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, मतलब एक अटेम्प्ट हो गया है. जो भी गलतियां आपने की है, आपको गलतियां मालूम है, क्या क्या गलतियां की आपने, कौन से चैप्टर छोड़े हो गए, कोई कोई बच्चे स्ट्रेस में आए हो गए, जो भी कुछ हुआ है, यू डू योर सेल्फ असेसमेंट ऑन योर ओन. आपने अब तक किया होगा कि आप गलत कहां पर गए, आपने कुछ राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया होगा, कुछ जगह पे मॉड्यूल खोल के नहीं देखा होगा, व्हाटएवर, पास्ट इज पास्ट. लेकिन आपकी गलती आपने एनालाइज की क्या, आवाज कहां से नहीं आ रहा है, गलती आपको समझ चुकी है, उनके ऊपर हमें रेक्टिफाई करना है बस. आई डो नॉट वॉन्ट टू वेस्ट मोर टाइम देन दैट. हम मैं अभिषेक जावरे हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. बीकॉम नहीं किया है मैंने, मैंने सिर्फ सीए किया है, बस एक ही डिग्री अपने पास. काम अपना ज्यादा बोलेगा देन नेम और एनीथिंग एल्स. जो बच्चे कुछ नए हैं समझ में आएगा आपको, बट ऑब्जेक्टिव ये रखना है हमें बच्चों, 70 से 80% बच्चे पास होने चाहिए इस बैच में से, वो ऑब्जेक्टिव है. 100% तो मैं गलत नहीं बोलूंगा, मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो मार्केटिंग स्टंट हो सकता है. 70-80% बच्चा पास होना चाहिए. ये कोर्स जो है ना उसका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है सीए कोर्स का, वॉल्यूम ऑफ द सिलेबस इज टू मच. और अगर आपको ये 6.5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना है, उसके एडिशन में 6 घंटे के आपको लेक्चर्स करने हैं, दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स वॉल्यूम. दिवाली है, आपको दिवाली के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. गणपति का फेस्टिवल चालू है, यू फील लाइक नहीं 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 लेट मी गो टू गणपति मंडल एंड लेट मी एंजॉय, या मैं दिवाली सेलिब्रेट करूंगा सो ये करूंगा, तो नहीं यार पॉसिबल नहीं है. इस बार आपको सी अभी क्वेश्चन क्या है, आपके थोड़े सा कैरेक्टर के ऊपर आया होगा. कुछ घरों में आपकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क किया होगा, कुछ घरों में वॉट एवर इट कुड बी सिचुएशन थ्रू विच यू वुड हैव गॉन, आपके रिलेटिव्स या आपके सोसाइटी में लोगों ने आपको ताने मारना चालू किया होगा. ये टिपिकल इंडियन सोसाइटी है, यहां पर लोगों को एक ही चीज समझता है, अपने ऊपर का गुस्सा या अपना फेल्योर किसी और में देख के उसको ताने मारते रहो, ये ठीक है. आप पढ़ रहे हो ठीक है, फेल हो गए सब बढ़िया है, हो गया ठीक. आप मिस्टेक्स आपके एनालाइज करो एंड यू आस्क अ क्वेश्चन टू योर सेल्फ, डू यू रियली हैव द कैपेबिलिटी टू पास दिस कोर्स और नॉट. आपके पास आंसर आपको लगता है कि यस मेरे में वो कैपेबिलिटी है, मैं और पढ़ सकता हूं,
ये आखिरी, मतलब आपने एक अटेम्प्ट ऑलरेडी दिया है या दो ऑलरेडी दिए, वट एवर इट कुड बी, यू शुड कंसिडर डिसम्बर 2022 एज अ लास्ट अटेम्प्ट. बट डू नॉट स्टडी विद द अजम्पशन ऑफ वॉट फियर और अ फेल्यूअर. चलो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम में मुझे फेल्यूअर नहीं आया, बट लाइफ में मैंने बहुत सारे फेल्यूअर देखे टू अ पॉइंट वेयर मेरे, मतलब ऐसा दिन था जब मैंने, आई रन अदर बिजनेसेस मोर देन द टीचिंग. मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की चेन चलाता हूँ, हमारे 42nd स्टोर हमारा परसों हैदराबाद में खुला. हम ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पर मुझे परचेस करना था मटेरियल, पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं था. जिस घर से मैं अभी निकला हूँ उस घर का मैं सेल करने के लिए निकला था. आई वॉज लुकिंग फॉर अ बायर हु कुड पे मी एंड आई कुड क्लियर ऑफ माई डेट्स. फ्रॉम दैट लेवल आई कम डाउन टू द डिफरेंट लेवल. तो जिंदगी में फेल्यूर मैंने देखा है, लेकिन एक चीज़ मैंने इस फेल्यूर से समझा है, एकेडमिक फेल्यूर अलग है, लाइफ का फेल्यूर अलग है, बट दोनों में एक चीज़ कॉमन है, आपका मोरल जो है ना वो सबसे डाउन हो जाता है. मोरल डाउन हो गया होगा रिजल्ट देख के, बट एट द एंड ऑफ इट आपको एनालाइज करना पड़ेगा. मैंने जब एनालिसिस किया तो मेरे को समझ में आया हम बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते थे, हमारे पास लगभग लगभग 700-800 प्रोडक्ट है, लेकिन सब प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं थे. बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर हम प्रॉफिट नहीं कर रहे थे, लॉस कर रहे थे, वॉल्यूम उतना नहीं बिक रहा था, लेकिन हमें इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ता था. तो जब तब जाके जब मैंने एनालिसिस किया कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे को निकालने चाहिए निकालने चाहिए, तब जाके हम कहीं ना कहीं तो एक स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस कर पाए और वहां से हम वापस बाउंस बैक हो पाए. तो फेल्यूअर आने के बाद ना मोरल डाउन होगा, लेकिन मोरल से आपको बाउंस बैक करने के लिए आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है वो ढूंढनी पड़ेगी. एंड यू, एवरी वन ऑफ यू विल हैव सम कैपेबिलिटी. और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये सीए कोर्स मेरी बस की बात नहीं है, ठीक है आप पढ़ लो प्रॉपर तरीके से पढ़ लो, और उसके बाद अगर बहुत कम स्कोर आ गया ये आ गया, स्टार्ट लुकिंग फॉर वॉट अल्टरनेटिव. बट आज दिमाग में वो अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए. राइट नाउ यू शुड थिंक कि मेरे को ये दिसंबर का एग्जाम देना है. कुछ बच्चे 160, 170, 180 तक आ गए होंगे, 10-20 मार्क का कोई गैप होगा, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 200 क्रॉस कर पाए लेकिन कोई सब्जेक्ट ने क्या किया, धोखा दे दिया. हो सकता है ऐसे. हाउ मेनी आर देयर स्कोर वेंट अबाउट 200 एंड, अरे अरे अरे, मतलब तुम्हारा दर्द तो कोई भी नहीं समझ सकता, तुम अकेले ही समझ सकते हो. वॉट एवर केस इट कुड बी, आप प्रॉपर तरीके से वापस रिजुनुएट होना, वापस पढ़ाई चालू करो, क्रैक कर लेंगे. अब मुझे बोला अकाउंट्स में शुरू करने वाला हूँ. अच्छा चैप्टर्स आई वु डोंट वॉन्ट टू गो इन द सेम सिक्वेंस इन विच यू वुड हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग, लाइक अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकन्सिलिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. वो नहीं, जो चैप्टर आपके, ऐसा चैप्टर्स हम शुरू करेंगे जहाँ से आपको रात के सपने में डर लगता है. सपने में ऐसा उठ के हाँ ये चैप्टर करना चाहिए, ये मेरे को परेशान करता है, वैसे वाले चैप्टर्स जो है वो करना है. नंबर वन. नंबर टू, तुम लोगों से रिस्पॉन्स चाहिए. शक्लें जो तुम लोगों की अभी दिख रही है ना, मेरे जस्ट जितना स्कैनिंग कर रहा हूँ ना 5 मिनट से, तुम ऐसे बैठे हो कि जैसे तुम्हारा जिंदगी में कोई ब्रेकअप हो गया है, या तुम्हारा शादी होकर डिवोर्स हो गया है, या शादी हो नहीं रही है, ऐसे 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 मरे हुए आदमी के जैसे दिख रहा है. अरे हंसो जिंदगी में, तुम एग्जाम में फेल हुए हो. इट इज नॉट लाइक, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है, खत्म नहीं हुई है. सो ठीक है, फेल्यूर हो गए तो क्या, एग्जाम में फेल हो गए तो इट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस एज सच. तो वो पहले एटीट्यूड चाहिए मेरे को. बोलो कौन सा चैप्टर चाहिए तुम लोगों को. पार्टनरशिप, चलो पार्टनरशिप शुरू कर लेते. सो गिव द हेडिंग पार्टनरशिप, मेरे को कोई चैप्टर का जरूरत नहीं, कुछ भी चैप्टर बोलो, सब करेंगे हम. ये रिवीजन बैच है, तो कोई अगर पहली बार पढ़ रहा है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो उसके लिए बच्चों ये बैच नहीं है. वो दिसंबर 22 के जो रेगुलर बैचेस है ऑलरेडी चालू हो चुके हैं. सो फर्स्ट टाइम के लिए ये बैच अप्रोप्रिएट नहीं है. राजपूत तुम पूछ रहे, तुम सुन सकते थोड़ा टाइम, लेकिन तुमको 5-10 मिनट में समझ में आएगा कि नहीं समझ रहा. ऑब्वियसली मतलब आई कैनॉट एक्सप्लेन द सेम वे लाइक रेगुलर बैच. अभी सी आई कैनॉट एक्सप्लेन, आई शुड नॉट एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. वाई डू आई वेस्ट अ टाइम इन दैट ना. तो डायरेक्टली हमने कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है. हम मोडस ऑपरेंडी ऐसा रखेंगे, कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करूंगा और फिर प्रॉब्लम्स को जाएंगे. कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉन्सेंट, मतलब जब मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँ तो प्रॉब्लम ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा फीचर्स. लेकिन जो लेंथी वाले प्रॉब्लम प्रॉपर 15 मार्क 20 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम क्या करेंगे,
बाद में सॉल्व करेंगे। तो मैं पूरे कॉन्सेप्ट है ना दो तीन लेक्चर्स के अंदर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा ज्यादा लगेगा तो चलेगा। सो चलो शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, कॉन्सेंट्रेट। सर बट आई हैव परचेज द बैच। सर बेटा ये रिवीजन बैच है, तुम अगर एडजस्ट कर पाते हो तो कर लो, नहीं कर पाते तो तुमको तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा, डर मत। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे को दिस इज मेंट फॉर रिवीजन। मेरे हिसाब से हमने रिवीजन ही बोला था ना क्लियरली, कहीं पे भी हमने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मेरे हिसाब से कहीं किसी को नहीं बोला होगा ना मेरे हिसाब से, ठीक है। सो सुन लेना, पार्टनरशिप, कंसाइनमेंट, इन्वेंट्री, चलेंगे चलेंगे बेटा सब करेंगे। पार्टनरशिप अभी लिख दिया मैंने तो लिख दिया, इन्वेंट्री करेंगे, कंसाइनमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे वन बाय वन। 15 नवंबर तक हमें खत्म करना है सब कुछ, सितंबर, अक्टूबर, मिड ऑफ द नवंबर टारगेट ये रखना है। हफ्ते में हम दो दो टेस्ट रखेंगे, एक सब्जेक्ट के नहीं, सब मतलब हर हफ्ते दो सब्जेक्ट का टेस्ट आएगा। ये फर्स्ट वीक तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, दो टेस्ट आपको लिखने हैं, बहुत सारा एक्सरसाइजेस मैं आपको सॉल्व करने दे दूंगा। एक बार एक दो चैप्टर खत्म हो गया ना तो वर्कलोड क्या है शुरुआत में कम रहेगा तुमको, थोड़ा सा होम एक्सरसाइज वगैरह, वो धीरे धीरे क्या होगा बढ़ते जाएगा और एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा वो। सुन लेना, मुझे पहले पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस चाहिए, चार पांच प्रोविजंस जो अकाउंटिंग के लिए रिलेवेंट है। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो अकाउंटिंग के लिए रिलेवेंट है ये चैप्टर में। पहला प्रोविजन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप एक्ट में या पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो क्या करेंगे, इक्वल रेशियो लेंगे। पीएसआर इफ नॉट गिवन यू शुड टेक अ इक्वल रेशियो। बच्चों दो चीजें याद रखना, दो चीजें याद रखना, कैपिटल शेयरिंग रेशियो एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर टोटली डिफरेंट। द रेशियो इन विच पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट अ कैपिटल एंड रेशियो इन विच प्रॉफिट्स आर शेयर्ड, कैन इट बी डिफरेंट? यस। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, कंपनी के केस में जो कैपिटल है और जो प्रॉफिट है वो सेम रेशियो में जाता है। लाइक मैं किसी कंपनी में शेयर्स परचेस करता हूं, आई परचेस 5% ऑफ टोटल शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, हाउ मच प्रॉफिट विल आई गेट? 5%। वो जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसका 5% मेरा होगा, समझा क्या? सो कंपनी के केस में प्रॉफिट शेयरिंग एंड कैपिटल शेयरिंग इज इन द सेम प्रोपोर्शन। पार्टनरशिप में आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो पार्टनर्स है, चार पार्टनर्स है ए बी सी डी, वो क्या कर सकते हैं, कैपिटल एक रेशियो में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और प्रॉफिट कोई दूसरे रेशियो में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये कहां पे लिखा रहेगा कैपिटल का रेशियो और पार्टनरशिप के शेयरिंग का रेशियो? पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा, हाँ है ना? अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा है, डीड साइलेंट है, नॉर्मली साइलेंट नहीं रहेगा, डीड में लिखा रहेगा, लेकिन अगर नहीं दिया डीड में तो क्या करोगे? इक्वल रेशियो में करोगे, समझा? दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। पार्टनर जो पैसा फर्म को देता है, पार्टनर कैन गिव आइदर लोन और पार्टनर कैन गिव कैपिटल। कैपिटल सी, जो पार्टनर फर्म को पैसा देता है ना, तब डिसाइड करना होता है ये लोन है या ये कैपिटल है। इज ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लोन और इज ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग व्हाट, कैपिटल, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब लोग कैसे डिसाइड करेंगे, एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स ने एग्री किया कि ये अमाउंट जो है ये लोन की अमाउंट है, पार्टनर्स ने एग्री किया कि ये लोन की अमाउंट है, तो लोन के ऊपर का इंटरेस्ट रेट भी एग्री करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे रिस्पॉन्स यार, क्या रेट पे इंटरेस्ट लगाएंगे? एग्री करना चाहिए जो एज अग्रीड। अगर अग्री नहीं किया, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन एग्री नहीं किया, तो लॉ बोलता है 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 6% पर एनम क्या है, कौन सा इंटरेस्ट है बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट आपको देना है 6% पर एनम, समझा? कह रहे तो पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो
बच्चों लोन इज अमाउंट ओवर एंड अबाउ द कैपिटल. डिफरेंस क्या है लोन और कैपिटल में? हाउ डू डिफरेंशिएट लोन एंड कैपिटल? कैपिटल जो है वो वाइंडिंग अप के टाइम पे या डिसोल्यूशन के टाइम पे ही वापस किया जाता है, जनरली स्पीकिंग. जनरली कैपिटल इज विड्रॉन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. कैपिटल इज सपोज टू बी द परमानेंट वन. व्हाट इज सपोज टू बी द टेम्पररी? लोन अमाउंट इज टेम्पररी अमाउंट. कैसे? वो उसका टेन्योर फिक्स रहेगा. एक बार टेन्योर खत्म हो गया तो आपको लोन क्या करना पड़ेगा? रीपे करना पड़ेगा. इट इज लोन बाय होम टू होम? इट इज लोन बाय पार्टनर टू होम? फर्म. समझा? देन नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाय पार्टनर. पार्टनर ड्रॉइंग करता है. अभी सुन लो, ठीक से सुनना. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर था. पार्टनर ने लोन दिया था इसलिए वो पैसा क्या कर रहा था? चार्ज कर रहा था. तीन इंटरेस्ट हमें समझने हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आगे जाके आएगा. ड्रॉइंग क्या है? ड्रॉइंग इज नथिंग बट विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट बाय अ पार्टनर. एक पर्टिकुलर पार्टनर को प्रॉफिट पेएबल होता है. अगर फर्म को प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट इज पेएबल टू हूम? पार्टनर को प्रॉफिट पेएबल है क्या नहीं है? तो वो जो प्रॉफिट उसको पेएबल है वो विड्रॉ कर सकता है क्या? हाँ. मुझे बोलो लॉजिकली प्रॉफिट कब पेएबल होना चाहिए? व्हेन शुड फर्म डिस्ट्रीब्यूट अ प्रॉफिट? एंड ऑफ द ईयर. अगर अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 है, पार्टनर को प्रॉफिट कब मिलना चाहिए? 31 मार्च 2022 को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ससुरा बोलता है घर पे बीवी बच्चे हैं मालिक, उनको क्या लगता है? खाना पीना लगता है, खाना पीना अलग है. अपना डायरेक्ट खाना पीने पे गए. घर वालों को पैसा लगता है तो पार्टनर बोलता है कि मेरे को पैसा क्या करना है? विड्रॉ करना है ड्यूरिंग दी ईयर इटसेल्फ. अब अगर पार्टनर को प्रॉफिट ईयर के एंड में पेएबल है, लेकिन ससुरा पैसा कब विड्रॉ कर रहा है? ड्यूरिंग द ईयर. वो पैसा ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ करना है. अब पार्टनर्स के ऊपर चॉइस है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाए या ना लगाए. शुड द फर्म चार्ज इंटरेस्ट टू द पार्टनर और शुड इट नॉट बी चार्ज्ड? एज पर पार्टनरशिप डीड यू शुड मेंशन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा, डीड में कुछ भी नहीं लिखा, डीड इज साइलेंट, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लगाओगे. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल नॉट बी देयर इफ इफ डीड इज साइलेंट. तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? पहले मतलब लिखो ड्रॉइंग का मतलब. कॉन्सेप्ट इसमें समझना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. अकाउंटिंग एंट्री भी आएगा. ये ऊपर वाले जो इजी थे एंट्रीज में, अकाउंटिंग एंट्रीज थोड़ा बाद में लेता हूं, पहले कॉन्सेप्ट खत्म करने दो. ड्रॉइंग का मतलब क्या है बच्चों? अरे बोलो ना. विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट बाय होम? पार्टनर्स. वेरी गुड. विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर इज अ ड्रॉइंग्स. क्लियर? प्रॉफिट को अंडरलाइन करके क्या बोलूंगा मैं? पेएबल एट एंड ऑफ द ईयर. प्रॉफिट ईयर के एंड में पेएबल है पार्टनर को, तो लॉजिकली पार्टनर ने क्या करना चाहिए? अरे बोलो ना. ईयर के एंड में पैसा विड्रॉ करना चाहिए. पार्टनर शुड विड्रॉ मनी एट द एंड ऑफ द ईयर. आर यू क्लियर? बट कुछ केसेस में पार्टनर क्या करता है? ड्यूरिंग द ईयर पैसा विड्रॉ करता है. तब फर्म के पास चॉइस है. फर्म मतलब ऑल पार्टनर्स पुट टुगेदर, उनके पास चॉइस है कि इंटरेस्ट लगाने का या नहीं लगाने का. क्यों? अरे भाई ये देख, ये टाइमलाइन है. ये क्या है? ईयर एंड. ये क्या है? ये क्या है? ईयर का बिगिनिंग है, ईयर का स्टार्ट है. तुम अगर ईयर के बिगिनिंग में क्या कर रहे हो? विड्रॉ कर रहे हैं, या कभी भी विड्रॉ कर रहे हैं. लेट्स से ये विड्रॉवल डेट है. ये क्या है बच्चों? विड्रॉवल डेट. ऐसे एक ही बार विड्रॉ करेगा? ये बार बार विड्रॉ कर सकते हैं ना.
तो लॉजिकली यहां से लेके यहां तक जो भी टाइम पीरियड है उस पीरियड के ऊपर इंटरेस्ट निकलना चाहिए. सी ड्रॉइंग इज एज गुड एज पार्टनर हैज टेकन अ लोन फ्रॉम फर्म. ऊपर का क्या था पॉइंट नंबर टू? अरे पॉइंट टू क्या था? पॉइंट टू वॉज लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म. पॉइंट थ्री इज पार्टनर टेकिंग अ लोन फ्रॉम फर्म. अब उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना है कि नहीं लगाना है ये फर्म को डिसाइड करना है. अब बोलेंगे क्यों सर लगाना चाहिए ना इंटरेस्ट? नॉट नेसेसरी. क्यों? अगर सबके सब पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं पैसा तो क्या सबके ऊपर इंटरेस्ट लगा के फायदा क्या? क्योंकि वो फर्म के पास पैसा आएगा और फर्म का पैसा वापस इनके पास ही जाएगा ना. एक तीन पार्टनर है, अगर सबके सब पैसा क्या करने वाले? विड्रॉ करने वाले, ड्रॉइंग सबके सब करने वाले, तो इंटरेस्ट लगा के कोई फायदा नहीं होता. क्यों फायदा नहीं होता? सबके सब विड्रॉ कर लेंगे, सबके सब पार्टनर के ऊपर हम इंटरेस्ट लगाएंगे. इंटरेस्ट कहां पर आएगा? फर्म में आएगा. फर्म का इनकम होगा, फर्म का इनकम होगा. फर्म का इनकम किसको जाता है? तो फिर क्या फायदा क्या हुआ? फायदा कब होता है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? सुनो, एक पार्टनर है वो शादीशुदा है, दूसरा पार्टनर है वो बैचलर है, क्या होगा? नॉर्मली जो शादीशुदा वाला पार्टनर है वो ज्यादा ड्राइंग कर सकता है. ही माइट विड्रॉ लार्ज चंक ऑफ द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इटसेल्फ इफ ही इज गोना विड्रॉ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. वो दूसरा बेचारा जो बैचलर है वो रोएगा, यार ये जला बीवी बच्चे वाला आदमी है, ये ज्यादा पैसा विड्रॉ करता है. तो पार्टनरशिप डीड में क्या हो सकता है फिर? यू कैन मेंशन दैट वेन एवर अ पार्टनर विड्रॉज सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट विल बी चार्ज. तो बच्चों हमारे पास कितने सिचुएशन है? दो सिचुएशन है. कौन से दो सिचुएशन? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. तुम नोटबुक में ड्रॉ करते रह रहा, कौन से दो सिचुएशन है बच्चों बोलो? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेंशनड इन द डीड, मेंशनड इन डीड, और दूसरा सिचुएशन नॉट मेंशनड इन द डीड. पार्टनरशिप डीड में मेंशनड है और दूसरा सिचुएशन क्या बोला मैंने? पार्टनरशिप डीड में मेंशनड नहीं है. इफ इट इज मेंशनड इन द डीड बोलो क्या करोगे? चार्ज इंटरेस्ट एट व्हाट रेट? एग्रीड रेट. व्हाट एवर इज द रेट एग्रीड, चार्ज इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट. इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट मेंशन इन द डीड डोंट चार्ज. तो बोलो ये चार्ज इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट फ्रॉम विच डेट विल चार्ज? अभी अभी चार्ट मैंने ड्रॉ किया था, ऊपर देखो कहां से चार्ज करोगे आप? विड्रॉवल डेट से. कब तक? एंड ऑफ द ईयर. तो ऐसे जितने भी डेट्स है वो डेट से आपको क्या करना है? जंप लेना है. जंपिंग जंपिंग, यू टू जंप फॉरवर्ड, कंगारू जंप. यू टू गो फ्रॉम विड्रॉवल डेट टिल एंड ऑफ द ईयर. डू यू अंडरस्टैंड? चार्ज इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट फ्रॉम, फ्रॉम वॉट? विथड्रॉवल डेट टू वॉट बोलो? टू एंड ऑफ द ईयर. अगर ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है तो बोलो बच्चों पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? इनकम या एक्सपेंस? रिस्पॉन्स फास्ट चाहिए. शांत बैठोगे ना तो शाप दे दो, और शाप बहुत महंगा पड़ेगा तुमको. एक्टिव रहने का इधर. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है. समझा? तीसरा चीज आएगा. सो हम क्या करना चाहिए? लॉजिकली एक स्टेटमेंट बनाना चाहिए. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या करना चाहिए? स्टेटमेंट. कैसे स्टेटमेंट? डेट ऑफ ड्रॉइंग, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ डेज. लॉजिकली, लॉजिकली कैलकुलेशन डेज में होना चाहिए. बट क्या होता है, बहुत बार ड्रॉइंग जो है ना मंथ के एग्जैक्ट बिगिनिंग में या एग्जैक्ट मिडिल में या एग्जैक्ट एंड में होता है. तब आप कैलकुलेशन किस में कर सकते हो? मंथ्स में कर सकते हो. बट मंथ्स में किया और डेज में किया तो आंसर अलग आएगा. एग्जाम में अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया तो हमेशा क्या लिखना? अजम्पशन लिखना. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड ऑन नंबर ऑफ डेज बेसिस और नंबर ऑफ मंथ्स बेसिस. मंथ्स कब यूज करोगे आप?
अगर हर एक ड्राइंग मंथ के बिगिनिंग में है या मंथ के मिडल में है या मंथ के एग्जैक्ट डेट मतलब पैटर्न है, ड्राइंग में हैव पैटर्न, ड्राइंग में नॉट हैव पैटर्न। तो बच्चों देखो मैं स्टेटमेंट क्या बना रहा हूं, देखो डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट जो भी अमाउंट है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, और फिर क्या मैं लिखूंगा यहां पर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, क्या रेट पे लेंगे रे बच्चों, एग्रीड रेट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ डॉट डॉट डॉट, वट एवर इज द एग्रीड रेट, एग्रीड रेट पे हम ले लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझा क्या, कांट हियर, क्या मैं पागल बना दूं आपको, आपने फाउंडेशन का एग्जाम दिया है ना, चैप्टर के नाम तो मालूम है, अरे हाँ है ना, क्या कर रहे हैं हम, ये जो था एडीडी नहीं है मैटे, ये कॉमन सेंस था, एडीडी से कर सकते हो, यही क्वेश्चन आप एडीडी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर ये क्या है बच्चों, इसको क्या लिखा तुमने, कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस सॉल्यूशन हो गया, दिस इज अ कॉमन सेंस सॉल्यूशन। क्या किया मैंने, सिंपली मैंने सिंपली बोला इस दिन से ईयर एंड तक कितने दिन हुए, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग टिल एंड ऑफ द ईयर, व्हाई टिल एंड ऑफ द ईयर, मैंने लॉजिक क्या बोला, प्रॉफिट इज पेएबल एट द, तो ये कॉमन सेंस मेथड ये वाला था। बट एग्जाम में कभी कभी कॉमन सेंस नहीं लगता है, एग्जामिनर कभी कभी बोलता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यूजिंग एवरेज ड्यू डेट मेथड, शैल आई एक्सप्लेन बोथ, अरे समझा गया, चलो लिखो एक क्वेश्चन लिखो, हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व करके देखते हैं, कॉमन सेंस भी या एवरेज ड्यू डेट। बच्चों कॉमन सेंस कब यूज करने का, जब क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं तब, अगर क्वेश्चन बोलता है सॉल्व इट बाय एवरेज ड्यू डेट मेथड तो एवरेज ड्यू डेट करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस, कॉमन सेंस इज मच इजियर देन एवरेज ड्यू डेट। तो लिखो ड्यूरिंग 21-22, ड्यूरिंग 21-22 मिस्टर ए मेड फॉलोइंग ड्रॉइंग्स, मिस्टर ए कौन है रे, अरे रिस्पॉन्स दो ना यार, क्या मर गए तुम, सो मिस्टर ए कौन है रे, जय ठक्कर, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ सर, तू कौन है रे बेटा, औका दे तो सामने आके देख, थर्ड क्लास बच्चे यार, मिस्टर जय ठक्कर टाइप इट क्विकली देर, डायरेक्ट पॉइंट पे मतलब क्या, तू सामने आना तू फिर दिखा दे तेरे को हिम्मत है तो, क्या यूजलेस बच्चे रहते, तेरे औकात क्या है, यूट्यूब पब्लिक काइंडली लिसन, वी आर यू हैव नॉट बॉट अस, प्लीज रिमेन विद इन योर लिमिट एल्स आई विल डेरिवेट यू एंड इंटीग्रेट यू देयर आफ्टर एंड राइट यू ऑफ। यार क्या एटीट्यूड हो गया बच्चों का, बस सिखाने का, तू कैसे सिखाएगी, तू मेरे को सिखाएगा बेटा, कम से कम 6-7 हज़ार चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिखाया मैंने, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बच्चों का बात नहीं कर रहा मैं, यूजलेस, तेरा एडमिशन होगा ना तो तुरंत तेरे को मैं बजाएगा, हिम्मत है तो मेरे सामने तो आके देख, माँ का दूध पिया होगा ना तो आके देख, मैं वार्निंग दे, मतलब तुम डाउट पूछो ये करो, कितना भी डाउट पूछो ये करो ना, ये क्या यार, ये इरिटेट भी करने वाला है यार बच्चल। सो ड्यूरिंग द ईयर 21-22, और ये क्वेश्चन मैं आपको अभी जाके दो चैप्टर का लिंक करवा रहा हूं, ड्यूरिंग 21-22 मिस्टर ए मेड व्हाट, फॉलोइंग ड्रॉइंग्स, डेट एंड व्हाट अमाउंट, डेट एंड व्हाट अमाउंट, ऐसे दो अमाउंट चीजें है बोल रहा हूं। अब ये ईयर के अंदर उसने ड्रॉइंग्स किया है, देखना, सो 3rd of July 21, मैं ऐसे ऑड डेट दे दूंगा, कुछ ऑड मतलब कुछ भी, कोई पैटर्न नहीं रहेगा, अगर पैटर्न है ना मंथ के बिगिनिंग में या मंथ के
एंड में या मंथ के मिडल में, देन देर इज अ फॉर्मूला, राइट? बट फॉर्मूला डजंट वर्क वेन देर आर अनइवन ड्रॉइंग्स, अ ड्रॉइंग्स वेर देर इज नो पैटर्न. 3rd July 2021, अमाउंट है 33,000, अमाउंट है 33,000. देन 9th October 2021, 41,000 का ड्रॉइंग है. अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज ऑल्सो नॉट सेम, कुछ भी अमाउंट कुछ भी डेट. क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको? हाँ, आराम से कर सकते हैं. देन आई से 19th of December 2021, मैं बोलता हूँ 25,000 ड्रॉ किया उसने. फिर उसने 10th ऑफ मार्च को ड्रॉ किया 22 को, 36,000. ये अमाउंट्स उसने विड्रॉ किए हैं. ये क्या किया है उसने? अमाउंट्स विड्रॉ किए. समझा? आर यू क्लियर विद दिस? अब क्या करना है मुझे? इंटरेस्ट निकालना है. बट इंटरेस्ट के लिए क्या होना चाहिए? रेट भी देना चाहिए. कैलकुलेट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 9% पर एनम. अब मैं दोनों तरीके से कैलकुलेट करूंगा, कॉमन सेंस से भी करूंगा और एवरेज ड्यू डेट से भी करके दिखाऊंगा. ये कब होगा? पार्टनरशिप डीड में जब लिखा होगा तब. तो मिस्टर ए और उसके बाकी के पार्टनर से उन्होंने एग्री किया. क्या एग्री किया? कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने का है. क्या रेट पे चार्ज करने का है? 9% पर एनम पे चार्ज करने का है. प्रॉफिट इज पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर. चलो करते हैं, कॉमन सेंस. पहले दो कॉलम तो मेरे हो गए. सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दो पार्ट दे रहा हूं मैं. पहला पार्ट क्या है? कॉमन सेंस. दूसरा पार्ट क्या है? एडीडी. तो देखो, कॉमन सेंस, डेट, अमाउंट और फिर आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं. बच्चों ये नंबर ऑफ डेज कब से निकालने हैं? डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेके कब तक? एंड ऑफ द ईयर. नंबर ऑफ डेज. अब सुनो, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज जब काउंट करते हैं ना हम, तब एक दिन छोड़ते हैं. जिस दिन पैसा विड्रॉ किया वो दिन हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे. और कहां तक जाएंगे? एंड ऑफ द ईयर, 31st March 2022 तक. चलो लेट स्टार्ट. 33,000 के मतलब 3rd जुलाई से आगे. जुलाई के कितने दिन हो गए? 28 प्लस 31 डेज ऑफ अगस्त प्लस 30 डेज ऑफ सितंबर प्लस 31 डेज. कैलकुलेटर यूज करो, गो अप टू 31st मार्च ऑन योर ओन. नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते आना चाहिए तुमको. हाँ करो, करो ना सब कुछ हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, नॉट ओनली फॉर फर्स्ट, नॉट ओनली फॉर द फर्स्ट ट्रांजैक्शन. डू इट फॉर व्हाट? ऑल द ट्रांजैक्शंस. यूट्यूब पब्लिक मैं इधर ही हूं, भूत नहीं बनाऊ. ये सब क्या कर रहे बच्चे देख रहा हूं मैं. हैंडराइटिंग भी आपका अच्छा होना चाहिए, डिसेंट. डर्टी पिक्चर नहीं चाहिए, ऑलरेडी बन चुका है. नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करके लिखो उधर. 3rd जुलाई से लेके आपको जाना कहां पर है? 31 मार्च 2022 तक. फटाफट दिमाग पे डेज चलने चाहिए. 28 डेज ऑफ जुलाई, 31 डेज ऑफ अगस्त, 30 ऑफ सितंबर, लाइक दैट. गो ऑन फॉर ऑल द फोर ट्रांजैक्शंस. गो ऑन डूइंग इट. कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है, उंगली का इस्तेमाल करके मिस्टेक मत करना. चलो. अरे जय ठक्कर, तूने रिप्लाई नहीं किया बेटा. अमाउंट नहीं चाहिए मुझे, नंबर ऑफ डे चाहिए. 4777 मृद्युल, तू अमाउंट बोल, अमाउंट भी नहीं आ सकता यार. नो नो नो, नंबर ऑफ डेज. हर एक ट्रांजैक्शन के लिए नंबर ऑफ डेज अलग से निकालना है. बोलो पहले केस में कितना था? 271. तो 271 दिन का इंटरेस्ट लगेगा. इंटरेस्ट बाद में करते हैं. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के नंबर ऑफ डेज 173. हाँ, अभी हर बार करने के अलावा तुम लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए. क्या कर सकते हो? सबट्रैक करने का ना. ये 271 है ना, अब दिमाग लगाओ, ले लो कैलकुलेटर पढ़ो. 271 में से जुलाई के 28 सबट्रैक करो, अगस्त के 31 सबट्रैक करो, सितंबर के 30 सबट्रैक करो
और अक्टूबर के 9 सब्ट्रैक्ट करो, कितने आ गए? 170 आ गए ना, कॉमन सेंस है यार। नहीं यार जाने दो पापा, तुम अलग अलग करो वापस। हाँ अभी अक्टूबर से दिसंबर जाना है, 173 है ना, 173 में से अक्टूबर के 21 नहीं बेटा, अक्टूबर 31 का रहता है, 22 माइनस नवंबर के कितने 30 और दिसंबर के 19 करो 102, फिर मार्च के करो 21। हाँ अभी सब्ट्रैक्ट नहीं करने का, यहाँ पे फॉरवर्ड जाने का, थोड़ा दिमाग लगाते जाओ। अब इंटरेस्ट निकालो, चलो कैसे निकालोगे इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट है ना, 33,000 के ऊपर 9% के हिसाब से 271 डेज का 33,000 इंटू 9%। नाउ वेट, इज इट अ लीप ईयर और नॉट, चेक करने का। फेब्रुवरी 2022 लीप ईयर है क्या? आई होप एवरीवन नोज लीप ईयर। लीप ईयर में फेब्रुवरी में 29 डेज रहते हैं। लीप ईयर एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप, है क्या? नहीं है तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 365 कर लो। कितना इंटरेस्ट आता रहा पहले केस में? क्या 22,000? 205 या 2000? एक एक बच्चा बोल, 1.12। नेक्स्ट ऐसे करते जाओ, गो ऑन डूइंग बच्चों, और फिर टोटल ले लो, मेरे को टोटल चाहिए बस। गो ऑन डूइंग, दिस इज कॉमन सेंस, यू हैव ब्रॉट इट टुडे। अरे रिस्पॉन्स क्या उल्टा जैसे लिख रहे तू? नोटबुक फर्स्ट पेज से लिखना चाहिए, लास्ट पेज से लिखना चालू किया तूने, बुक ही नहीं लाया तो वही गलती, मतलब जो पहले अटेम्प्ट में कर ली वही गलती अपने को वापस करने की। सिंसिरिटी कर लो, लो जल्दी। कितना इंटरेस्ट टोटल? 4769 बोल रही मैडम, तू कैलकुलेटर नहीं लाया ना? क्यों पापा ने लेके नहीं दिया? भूल गए सर, पहला दिन ने। सो ठीक है पहला दिन है आज तो समझ सकता हूं। बोलो आंसर, 4769 पॉइंट व्हाट? 25 सर, फर्स्ट में मेरे डेज 272 आए सर, और आईओडी नहीं 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 272 कैसे आ सकते बेटा? 3 जुलाई से लेके यार, ये भी सिखाऊं क्या? जुलाई में 28 दिन बाकी है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जान फेब इज ऑफ 28 एंड मार्च 31, बराबर है ना रे 271? सो सर मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम दूंगा तो इस बैच से कोर्स नहीं कंप्लीट होगा क्या? कोर्स कंप्लीट होगा बेटा, लेकिन जो सिखाने का तरीका है ना इस बैच का अलग है एज कंपेयर टू रेगुलर बैच। इफ यू कैन अडैप्ट टू इट, इट्स ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट मैं यहाँ पर अभी नॉर्मल लेक्चर में करता, तो मैं नॉर्मल लेक्चर में जो बच्चे नॉर्मल लेक्चर में, वाई विल आई गो इन दिस स्पीड? आई विल नॉट कम डाउन डायरेक्टली, आई विल एक्सप्लेन मच डिटेल ना, तो ये उतना डिटेलिंग नहीं है जितना सी पूरा मैच देखना और हाइलाइट्स देखना फर्क होता है। अभी इन बच्चों ने मैच एक बार खेल के आए हैं, अब और कितनी बार खेलना है? रिस्पॉन्स ही नहीं है इनका, खेलते रहना तुमको, दिसंबर में आखिरी बार खेलना है ना, वापस नहीं खेलने का, और खेलना पड़ेगा ना नवंबर 22-23 में, क्या बोले? दूसरे टीम के साथ खेलेंगे। सो चलो आ गया क्या आंसर? कॉमन सेंस सॉल्यूशन क्लियर है क्या?
अब यही आंसर मैं लाऊंगा कैसे, एडीडी करके एक दूसरा चैप्टर है जो तुम्हारे सिलेबस में है। अब चलो मैंने नहीं सिखाया अभी तक एडीडी, लेकिन तुमने पहली बार कुछ तो पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो रिकलेक्ट होगा, करवा दूंगा। देखो कॉमन सेंस अप्रोच बहुत सिंपल था, अच्छा भी था। अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो कमीनापन है। इट इज जस्ट टू टॉर्चर द स्टूडेंट्स। दिस टू चैप्टर्स आर पुट अप इन द सिलेबस, अकाउंट करंट एंड एवरेज टू डेट। और अकाउंट करंट में भी एक इपोक मेथड था, मेजॉरिटी बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होगा, नाम देख के ही छोड़ा होगा। कितने लोगों ने छोड़ा था इपोक मेथड, हाथ ऊपर करो, कितने लोगों ने ऑप्शन को छोड़ा था इपोक? आया नहीं था, बच गए। अगर आप छोड़ गए और क्वेश्चन वन में ही इपोक दिखा सुबह सुबह या दोपहर 2 बजे, जो टॉयलेट याद आएगा ना उधर, तो अब ये गलती नहीं करना, कुछ भी नहीं छोड़ने का। ये चीज पहले याद रखो, छोड़ने का ना मतलब बहुत कम चीज छोड़ना चाहिए तुमने, पूरा ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। चलो ठीक है, अभी क्या करता है एडीडी मेथड, सुनो। एवरेज ड्यू डेट मेथड क्या बोलता है सुनो, एवरेज ड्यू डेट मेथड बोलता है इंस्टेड ऑफ सेइंग दीज डेट्स दीज अमाउंट्स, क्या बोला मैंने, दीज 4 डेट्स, किधर है वो, इधर है, हाँ, दीज 4 डेट्स, क्या मेरे को लाइट राइट लेफ्ट गड़बड़ होता है ना, दीज 4 डेट्स दीज 4, इंस्टेड ऑफ दैट आई वॉन्ट 1 डेट 1 अमाउंट, दैट 1 अमाउंट इज वेरी इजी, 1 अमाउंट इज टोटल, कितना रे इन सबका टोटल कितना अमाउंट का, 1,35,000, 1,35,000। बट एक डेट कैसे निकालने का, डेट का टोटल नहीं ले सकते ना, किसी के कैलकुलेटर पे है 3rd जुलाई प्लस 9th अक्टूबर है बोल रहा, हाँ दिखा बेटा, यू कैनॉट एड द डेट्स एंड डिवाइड बाय 4, 3rd जुलाई प्लस 9th अक्टूबर प्लस 19th दिसंबर नहीं कर सकते। अब इसके लिए एक घटिया मेथड है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अगर आप सुन रहे हो प्लीज डिलीट करना इस चैप्टर को, इसको नहीं मतलब एडीडी को, क्यों, ये एडीडी का टेक्निक जो है ना ये मुगले आजम के जमाने में इन्वेंट किया गया था जब कंप्यूटर्स नहीं थे, आजकल कंप्यूटर्स है इसलिए कॉमन सेंस से आप आंसर ला सकते हो। तो ठीक है सुनो, ये जो अलग अलग अमाउंट्स है ना, इन अमाउंट्स के बदले हम एक अमाउंट आराम से लिख सकते हैं, एक अमाउंट लिखना मुश्किल, लेकिन एक डेट कैसे लाओगे, इंस्टेड ऑफ सेइंग दीज अमाउंट्स ऑन दीज डेट्स आई वांट टू से टोटल अमाउंट ऑन वन सिंगल डेट, उस वन सिंगल डेट को हम क्या बोलते हैं, एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट के लिए क्या करता, जिस दिन तुमने ड्रॉइंग किया उस डेट को ही हम क्या बोलेंगे, ड्यू डेट, बेस डेट नहीं बोला, ड्यू डेट, जिस दिन ड्रॉइंग किया उसको क्या बोलेंगे हम, कर लो ड्यू डेट लिखो और अमाउंट भी लिखो, अमाउंट वही आएगा, ड्यू डेट और क्या अमाउंट्स लिख के हो गए तुम्हारे, मेरे हो गए, ये ड्यू डेट एंड अमाउंट, ये पहले लिखो ड्यू डेट है। तो अब हमें इसमें से जो सबसे पहली डेट रहती है, सबसे पहली मतलब फर्स्ट लाइन नहीं बोला मैंने अभी, चलो यहां पर सीक्वेंस में ही दिए डेट मैंने, बट जो सबसे पहली डेट रहती है उसको हम बोलेंगे बेस डेट। यू कैन टेक एनीथिंग एज अ बेस डेट, तुम्हारे पापा का बर्थडे भी ले सकते हो, तुम्हारा बर्थडे भी ले सकते हो, गर्लफ्रेंड का बर्थडे, बॉयफ्रेंड का बर्थडे भी ले सकते हो, तुम कुछ भी ले सकते हो, बट क्या है पापा का बर्थडे लिया ना कैलकुलेशन में तुम मिस्टेक करोगे। तो क्या लेने का, जो ड्यू डेट्स है ना उसमें से सबसे पहला कौन सा है, 3rd जुलाई, ये टेक्निक है बच्चों। सबसे पहला मतलब फर्स्ट लाइन नहीं है, राइट नाउ इट इज ऑन द फर्स्ट लाइन इन दिस क्वेश्चन, मेजॉरिटी क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन वाला डेट ही सबसे पहले रहता है, बट ये तो फिर क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, लेकिन इस टेक्निक में नंबर ऑफ डेज आर नॉट टिल द एंड ऑफ द ईयर, इन दिस टेक्निक नंबर ऑफ डेज आर, नंबर ऑफ डेज टिल, नंबर ऑफ डेज टिल नहीं बोलने का,
फ्रॉम बोलने का, फ्रॉम बेस डेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम व्हाट, बेस डेट, 3rd July to 3rd July कितना आएगा, जीरो। 3rd July से लेकर 9th October, चलो 3rd July से लेकर 9th October तक, जुलाई के 28 दिन, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 9, 98। अब बच्चा क्या करता है, मिस्टेक फ्लो में इधर से इधर करता है। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए नंबर ऑफ डेज कहां से आएंगे बच्चों, बेस डेट, 3rd July से 19 December तक। अब एक कॉमन सेंस लगाओ ना, आप 9 October तक ऑलरेडी आ गए थे, अरे हाँ है ना, 98 9 October तक आ गए, प्लस अक्टूबर के बाकी बचे हुए 22, प्लस नवंबर के 30, प्लस दिसंबर के 19, 169, समझा गया, 169, फिर 1 यहां से वापस आगे जाना है, 2 250, समझा गया रे, फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अमाउंट एंड नंबर ऑफ डेज, कर लो 0, इधर कुछ तो प्रोडक्ट आएंगे, करते जाओ, ये टोटल कितना था, 1,35,000, 1,35,000, कर लो जल्दी जल्दी, और प्रोडक्ट्स का टोटल निकालो, प्रोडक्ट का टोटल बोलो, 1,72,00,000, 1,72,43,000, ये केस का टोटल है बच्चों, अरे आई कांट हियर, प्रोडक्ट का टोटल है, आर यू क्लियर विद दिस, ठीक है, कैन आई गो अहेड, सुन लेना अभी। अब एवरेज ड्यू डेट कैसे आता है, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, बेस डेट, एक फॉर्मूला था याद होगा तो, हाँ ना, एडी इज इक्वल टू बेस डेट, आई डिड नॉट से बेस्ट डेट, बेस डेट प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ दीज मेनी नंबर ऑफ डेज, समझा करे बच्चों, हा है ना, वेरी गुड, व्हाट इज द बेस डेट, 3rd July 21, समेशन ऑफ प्रोडक्ट 172,43 डिवाइडेड बाय 1,35,000, दीज मेनी डेज, ये जो टोटल आएगा इतना करो, 3rd July 21 प्लस 170 127.72, दैट इज 128 days, दैट इज 128 days, कुछ समझा के रे, 128 दिन, हा है ना, तो 3rd July में आपको 128 दिन ऐड करने हैं, कैसे करोगे, 3rd July में 128 दिन ऐड करने, राउंड ऑफ करके, अभी चलो जुलाई के कितने गए, 28, अगस्त के, चलो टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 128 माइनस 28 जुलाई के गए, माइनस 31 अगस्त, माइनस 30 सितंबर, माइनस कितना है अभी तक कैलकुलेटर, 89 बाकी है, अरे 128 में से जुलाई के 28 गए, अगस्त के 31 गए, सितंबर के 30 गए, अक्टूबर के 31 गए, कितने बच गए, 8 बच गए, तो नवंबर के 8, बहुत सारा बच्चा क्या करता है मालूम है क्या, इसमें 3 ग्रेस डेज ऐड करता है, उसको आदत लग गई होती 11 12th की बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की, वो क्या ऐड कर लेता है, 3 ग्रेस डेज, ग्रेस डेज कब ऐड करते हैं बच्चों आप, जब बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये यहां पे थोड़ी बिल ऑफ एक्सचेंज बोला मैंने, डोंट एड 3 ग्रेस डेज, तो बच्चों सुनो, इनस्टेड ऑफ सेइंग दीज डेट्स एंड व्हाट दीज अमाउंट्स, वी कैन से
one single date and what? Total amount. What is that one single date? 8th of November. तो हम क्या बोलेंगे, इंस्टेड ऑफ सेइंग चार अलग अलग डेट पे बंदे ने पैसा विड्रॉ किया, हम बोलते हैं उसने पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ किया 8 नवंबर को, और 8 नवंबर से 31 मार्च तक हम इंटरेस्ट लगाएंगे। अभी थोड़ा सा फर्क आएगा आंसर में, क्यों बोलता हूं, इधर जो है ना ये 172.2 हो गया इधर, उसकी वजह से आंसर में क्या होने वाला है, फर्क आने वाला है। कुछ समझा क्या? देयर इज गोना बी सम डिफरेंस। तो देखो अभी इंटरेस्ट देखो, डू यू वांट टू गो मैड, इंटरेस्ट एट टोटल अमाउंट कितना था, 1,35,000, 1,35,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 9% था ना। अब नंबर ऑफ डेज मुझे निकालने हैं, कहां से लेके 8 नवंबर से 31 मार्च, चलो कैलकुलेटर पे लो, नवंबर के 22 प्लस दिसंबर के 31, जान के 31, फेब के 28, मार्च के 31 अपॉन 365, कर लो कर लो कर लो। वन करोड़ 1 crore, ए 1 crore का से इंटरेस्ट बोल 4760.13, थोड़ा सा फर्क आएगा, उधर 4769 आया था, इधर 4760 वो आएगा हमेशा। क्यों आएगा? क्योंकि एवरेज ड्यू डेट मेथड में है, राउंडिंग ऑफ हुआ है ना वहां पर, लॉजिकली एग्जामिनर ने ये मेथड ही नहीं पूछना चाहिए, मतलब आईसीए ने चैप्टर डिलीट करना चाहिए एवरेज ड्यू डेट वाला, क्योंकि ये आउटडेटेड मेथड है यार, जिस जमाने में कंप्यूटर्स नहीं थे उस जमाने का यार, ये क्यों मैं करूं, कॉमन सेंस था ना, कॉमन सेंस में एक्सेल में मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू 31st मार्च माइनस नंबर ऑफ डेज, एक्सेल में मैं नॉर्मल स्टेटमेंट बना सकता हूं और आंसर आएगा, बट ऑप्शन नहीं है। आर यू क्लियर बच्चों? किसी को वे डाउट है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर? दिस वॉज अनइवन ड्रॉइंग। तो चलो वापस आते हैं हमारा डिस्कशन के ऊपर, हम क्या लर्न कर रहे हैं, पार्टनरशिप चैप्टर, हम पहले पार्टनरशिप की प्रोविजंस लर्न कर रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट की, जो अकाउंटिंग के लिए रिलेवेंट है। कितनी प्रोविजंस है अभी तक? 3 डिस्कस की मैंने, 3 डिस्कस की अब तक, और बाकी है मैडम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इफ नथिंग इज गिवन विल टेक इट इक्वल, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर विल बी चार्ज्ड एट 6% इफ नथिंग इज अग्रीड पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज्ड एट अग्रीड रेट, अगर रेट एग्री नहीं किया तो कितना चार्ज करोगे, जीरो, एग्री करो, एग्री किया तो चार्ज करेंगे, एग्री नहीं किया तो जीरो। आर यू क्लियर ऑन दिस? अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन से डेट से चार्ज होगा, विड्रॉवल डेट से ईयर के एंड तक चार्ज होगा। आर यू क्लियर? गुड। डेट मेंशन होगा डीड में, अच्छी बात है, डेट मेंशन नहीं है तो सॉरी रेट मेंशन है तो हम चार्ज करेंगे, अगर रेट मेंशन ही नहीं किया तो हम चार्ज, चलो अभी तक खत्म नहीं हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये एक डिफिकल्ट वाला सिचुएशन कवर किया हमने, सिंपल वाला सिचुएशन भी एग्जाम में आता है, लिखो क्या लिखना है आपको, पैटर्न ऑफ ड्रॉइंग्स। इसके बाद ये एक बार प्रोविजंस खत्म हो गए, हम गुडविल की तरफ जाएंगे बच्चों, जिधर आपको डर लगता है गुडविल, ओ माय गॉड, नाम सुनते ही बच्चे ये होता है, तो कुछ नहीं साहब, कुछ खत्म करेंगे कॉन्सेप्ट्स, ये 15 मार्क का चैप्टर है मिनिमम, मालूम है ना, एग्जाम दिया तो आपको चैप्टर के नाम थोड़े मार्क्स उतने तो कम से कम मालूम है ना, चैप्टर इंपॉर्टेंट है उतना तो समझता ना, वेरी गुड। हाँ कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप इस चैप्टर के ऊपर, एक 50 क्वेश्चन देंगे तुमको बस, हाँ एक दिन में नहीं दूंगा ऑब्वियसली, धीरे धीरे आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आपको सॉल्व करने के, अपलोड करने के लिए लिंक आएगा, अब अपलोड मैंडेटरी है। मां बाप से प्यार करते हो क्या, हंस कह रहे हो, मैंने क्वेश्चन पूछा हाँ या ना, तो उनका साइन लेने का, अपलोड करने का, हॉस्टल लाइट है तो व्हाट्सएप लेने का, व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट लगाने का, फाइल अपलोड करने का, तो एटलीस्ट देर विल बी सम अकाउंटेबिलिटी, तुम्हारे माँ बाप को भी अच्छा लगेगा, चलो अपना बच्चा पढ़ रहा है वापस, कुछ तो कर रहा है।
पैटर्न ऑफ ड्राइंग, इवन ड्राइंग, इवन मतलब मैथ्स वाला इवन ऑड नहीं चल रहा है, इवन ड्राइंग्स, और दूसरा क्या बोलता हूं मैं, अन इवन ड्राइंग्स, क्या बोलते ऑड ड्राइंग्स, अरे नहीं रे, इवन और ऑड नहीं है, इवन और अन इवन, सुन लेना, सो लिसन अप टू दिस, इवन ड्राइंग्स अलग है और अनइवन, इवन मतलब देर इज अ ड्राइंग, ड्राइंग एट, ड्राइंग एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अब ये कब होता है बच्चों, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, दिस इज लाइक अ सैलरी, एक पार्टनर बोलता है मेरे घर पे बीवी बच्चे है, मेरे घर का महीने का रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, महीने के मेरे खर्चे रहते हैं, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ड्रॉइंग करूंगा, सो ड्रॉइंग एट द बिगिनिंग ऑफ, फिर मैं यहां पे लिखता हूं, ड्रॉइंग एट मिडल ऑफ ईच मंथ, फिर मैं लिखता हूं ड्रॉइंग एट एंड ऑफ ईच मंथ, ड्रॉइंग इज एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, अनइवन ड्रॉइंग्स मतलब नो पैटर्न, अनइवन को क्या बोलूंगा मैं, कोई पैटर्न ही नहीं, अनइवन अभी अभी हमने किया बच्चों, अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें कोई पैटर्न था क्या, अरे कोई पैटर्न था क्या, नो, वेरी गुड, ये तीनों का मालूम है एक कमीनापन क्या है, सेम ड्रॉइंग एवरी मंथ, ये तीनों सिचुएशन में एक चीज कॉमन है, सेम अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग विच इज बुलशिट, क्यों, अरे कोई एक आधे महीने में ज्यादा पैसा नहीं लगता क्या, एक आधे महीने तुमको लगता है कहीं घूमने जाए, पैसे की ज्यादा जरूरत है, एक आधे महीने बच्चों के स्कूल की फी भरनी है, पैसा ज्यादा लगेगा, सो ये एब्सोल्यूट बुलशिट है कि पैटर्न रहेगा, हर महीने सेम अमाउंट विड्रॉ करोगे, वो भी महीने के फर्स्ट डे को, क्या मतलब छुट्टी संडे नहीं रह सकता, मंथ के फर्स्ट डे को रह सकता ना, ठीक है जान दो, एग्जाम में आता है तो हम कर रहे हैं, सो सेम अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, सेम अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, और एट द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज, समझा क्या, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला मंथली ड्राइंग से आता है बच्चों, नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेशन करोगे तो आंसर हमेशा अलग आएगा, आप एग्जाम में प्लीज नोट लिखना, जो भी आप अजम्पशंस करते हो सॉल्विंग, अजम्पशन शुड बी लॉजिकल, अजम्पशन इज आई अज्यूम द क्वेश्चन इज नॉट दिस, आई अज्यूम क्वेश्चन इज दिस, नहीं है, चलो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब सुन लो, बहुत सारा बच्चा क्या करता है, मंथली जो ड्राइंग का अमाउंट रहता है ना वो लेता है, ना आपको लेना कौन सा अमाउंट है, एन्युअल ड्राइंग का अमाउंट लेना है, क्या बोला मैंने बच्चों, एन्युअल ड्राइंग्स, एन्युअल कैसे आएगा, मंथली ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय 12, एन्युअल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6.5 अपॉन 12, इनटू क्या बोला मैंने, 6.5 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स, तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकलते हम, ये आता है रफली, एवरेज करके आता है, आपको इसका लॉजिक चाहिए ना, तो आप क्या करो, जान फेब मार्च ऐसे लिखो, जान महीने में जो ड्राइंग करोगे उसके ऊपर 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, कैसे, जान के शुरुआत में किया, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, फिर अभी हम बिगिनिंग वाला कर रहे हैं, बिगिनिंग में जान के बिगिनिंग में किया, इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा, जान टू दिसंबर ईयर है तो मर गए क्या उधर, फेब में जो ड्राइंग किया उसके ऊपर इंटरेस्ट 11, मार्च 12, 11, ऐसे लास्ट में कितना आएगा, 1 आएगा, इन सब का टोटल लो, डिवाइड बाय 12 करो, 6.5 आता है, थोड़ा और लिंकिंग करो क्या, आपने मैथ्स में एक चैप्टर सीखा होगा एपीजीपी, ये एपी है आंध्र प्रदेश नहीं
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 12, 11, अल्टीमेटली 1, नहीं तो बोलेंगे उधर वापस सर पॉइंट पे आओ ना. बोला नहीं वो कुछ मेरे बाद में. 12 से 1 पे है, मतलब कौन सा प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. दिमाग लगाओ, एवरेज ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मेरे को नहीं याद, तुमको याद होना चाहिए. सम आपको SN लेना पड़ेगा, SN/2, सम ऑफ द टर्म्स. सम ऑफ द टर्म्स कैसे आता है मतलब, सम ऑफ द टर्म्स कैसा था ये आपने सीखा था. और एक जगह पे लिंकिंग करो क्या आपने किया था, ये सम ऑफ डिजिट्स मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. नंबर ऑफ इयर्स का टोटल आपने लिया था, N(N+1)/2. डेप्रिसिएशन करके एक चैप्टर था, थोड़ी बहुत याददाश्त आ रही क्या? उसमें सम ऑफ डिजिट्स था, विच इज नथिंग बट टोटल ऑफ इयर्स, 12 × 13, 12 फिगर्स थे ना, अपॉन 2, बोलो 78 आ गया क्या? आ गया क्या 78? ये किसका टोटल है? 12, 11, 10. आप कैलकुलेटर पे करके देखो, 78/12 करो, आ गया 6.5. तो वो आप APGP के लॉजिक से करो या कैसे भी करो आता है. तो बच्चों अगर सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो आप क्या करोगे, भूलना मत. इधर एनुअल ड्राइंग है, एनुअल ड्राइंग को अंडरलाइन करके क्या लिखोगे? मंथली ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय 12. समझे क्या? रिस्पॉन्स ही नहीं है यार. अरे मरे तुमने, तुम फाउंडेशन फेल हो, तुमने किसी का मर्डर नहीं किया है. यस बोलता है 6.5 के जगह पे अगर ड्राइंग्स इज एट द मिडल ऑफ द मंथ आप क्या करोगे? 6 महीने ले लोगे. एंड ऑफ द मंथ है तो क्या करोगे? 5.5. ये ऐसा फॉर्मूला है, बट इस फॉर्मूला में मेजॉरिटी बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं मालूम है क्या? वो एनुअल ड्राइंग की जगह पे कौन सा फिगर लेते हैं? मंथली. मंथली को मल्टीप्लाई करना, ये एनुअल फिगर के ऊपर 6.5 महीने का इंटरेस्ट या 6 महीने का इंटरेस्ट या 5.5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है. ये कब करेंगे तुम? अगर ड्राइंग्स में कुछ पैटर्न है तो. अगर ड्राइंग्स में पैटर्न नहीं है तो, ड्राइंग्स में पैटर्न नहीं तो कॉमन सेंस लगाने का. कॉमन सेंस लगाओ या ADD लगाओ. ADD में क्या किया बच्चों हमने? जो भी डेट को पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया उसको हमने क्या बोला? ड्यू डेट. अरे बेस डेट इज हेडलाइन लिखो, टॉप ऑफ द पेज राइट अ हेडलाइन, टॉप ऑफ द पेज. बेस डेट इज अर्लीएस्ट ऑफ, बेस डेट इज अर्लीएस्ट ऑफ ऑल ड्यू डेट्स. बेस डेट इज, हैंडराइटिंग ठीक से निकल रहा है. बेस डेट इज अर्लीएस्ट ऑफ ऑल ड्यू डेट्स. अर्लीएस्ट ऑफ वॉट? ऑल ड्यू डेट्स. तो पहले हम क्या करते हैं, बेस डेट पहले निकलते हैं या ड्यू डेट पहले निकलते हैं? अरे पहले क्या करते हैं, बेस डेट पहले आएगा. उस बेस डेट में से जो सबसे पहले है उसको क्या बोला हमने? सॉरी पहले ड्यू डेट्स है, ड्यू डेट्स में से जो सबसे पहले वो क्या आया? बेस डेट. बेस डेट से फिर हम नंबर ऑफ डेज निकाले, फिर एवरेज ड्यू डेट निकाला. इंटरेस्ट वॉज फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट टिल एंड ऑफ द ईयर. 8 नवंबर से 31 मार्च तक कितने डेज है ये मैंने यहां पे लिखा था. आर यू क्लियर विद द एंटायर थिंग ऑन ड्रॉइंग्स? जर्नल एंट्री नहीं था इधर, यहां तक अभी तक अकाउंटिंग नहीं सीखा है बच्चों. एंटायर अकाउंटिंग रिवॉल्व्स अराउंड 3 थिंग्स. कितनी? सिर्फ 3 चीजें. RMD, RMD stands for recognition, measurement and disclosure. Before you could think of anything else. Accounting आपको करना है, पहले आपको मेजर करना पड़ेगा. मेजर इज लाइक यू वेट, यू फाइंड आउट योर वेट, यू स्टैंड आउट ऑन द वेइंग मशीन, इट टेल्स यू 80 kgs. मेजरमेंट, देन यू रिकॉग्नाइज, ओ देयर इज आई एम ओवरवेट.
But I'm feeling happy that there are some competitors to me. Hi. पीछे कोई नहीं ना. सो आप पहले क्या करते हो, मेजर करते हो आपका वेट, फिर आप क्या करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, देन यू नीड टू डिस्क्लोज. इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी नीड टू डिस्क्लोज दैट दीज आर द असेट्स, दीज आर द लायबिलिटीज. हम पहले असेट्स लायबिलिटीज या इनकम या एक्सपेंस को मेजर करते हैं, फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और फिर फाइनली जाके हम क्या करते हैं बच्चों, डिस्क्लोज करते हैं. डिस्क्लोजर कहां पे होगा तुम्हारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जाके डिस्क्लोजर होगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें आती है, चार फाउंडेशन के हिसाब से, देयर इज वन मोर, पांच होती है. फर्स्ट चीज क्या होती है फाइनेंशियल, पी एंड एल. दूसरा बैलेंस शीट, पी एंड एल को हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन. तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट. चौथा होता है नोट्स टू अकाउंट्स. P&L बैलेंस शीट एक्रूअल के हिसाब से बनता है, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, नाम तो सुना होगा कम से कम. लेकिन एक्रूअल से क्या होता है, कितना कैश धंधे में आया, कितना कैश धंधे से गया, वो समझता नहीं. इसलिए हम क्या करते हैं, कैश सिस्टम से हिसाब से एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं. ग्रुप टू में, सॉरी इंटरमीडिएट में आएगा तुमको ये. और चौथा चीज होता है नोट्स टू अकाउंट्स. तुमने P&L बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट्स लिखे हैं, उन अमाउंट्स का क्या करते हैं, हम एक्सप्लेनेशन देते हैं. उन अमाउंट्स का क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं. कहां पर रहता है वो एक्सप्लेनेशन, दैट एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन द नोट्स टू अकाउंट्स. लाइक तुमने P&L में डेप्रिसिएशन लिखा, एक सिर्फ सिंगल अमाउंट लिखा डेप्रिसिएशन का, लेकिन वो डेप्रिसिएशन क्या रेट पे कैलकुलेट किया, असेट की लाइफ क्या है, WDV क्या है असेट की, उनकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, ये सब इंफॉर्मेशन आप कहां पे दोगे, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर ये सब इंफॉर्मेशन आप दोगे. आर यू क्लियर विद दिस, वेरी गुड. सो हमने तीन चीजें देखी बच्चों पार्टनरशिप एक्ट की, अब मैं चौथी चीज पे जा रहा हूं. PSR देखा, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर देखा, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर वॉज एक्सपेंस टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज. अब मैं जा रहा हूं चौथे आइटम को, और ये थोड़ा सा डेडली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरे चार्ज क्यों नहीं हो रहा है इससे. एनीवन हैज अ आईपैड चार्जर बाय मिस्टेक, टाइप सी, एनीवन हैज बाय मिस्टेक टाइप सी, मतलब आईफोन का होगा तो भी चलता है, एप्पल का है ना, लाइटनिंग है बेटा, इसको टाइप सी नहीं बोलते, दिस इज लाइटनिंग, ये पायरेटेड है. मतलब एप्पल का नहीं है ना, वो वन प्लस का है वो. एनीवन हैज एप्पल टाइप सी, तो फिर मैं लेक्चर एक्सटेंड कर पाऊंगा, देना अभी. उसने इमीजिएटली छुपा लिया, लेक्चर एक्सटेंड कर पाऊंगा बोला था. दे दूंगा तेरे को वापस. So, सुन लेना, मेरे को लगा इसे चार्ज, आज क्यों चार्ज नहीं हो रहा है मालूम नहीं, इससे एप्पल का ही है, धोखा दिया मेरे को. सो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब सुनो इंटरेस्टिंग है कैपिटल, ये मुश्किल है थोड़ा सा अकाउंटिंग वाइज, यहां पे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है. कैपिटल और लोन में फर्क क्या है, लोन के लिए रीपेमेंट डेट रहता है, कुछ ना कुछ तो डेट रहेगा, लोन इज ऑलवेज रीपेएबल. कैपिटल का ऐसे रीपेमेंट डेट, हेडलाइन टॉप ऑफ द पेज, लोन हैज अ रीपेमेंट डेट. अरे चार्जर किधर गया, कौन छोरा लिया रे बीच में, नहीं दे तूने, कौन बोला रख दे, कौन कौन कौन, लड़का लड़की, कौन बोला रख दे, वो बाल की दुकान लिखो. कैपिटल, सॉरी लोन इज, लोन हैज अ रीपेमेंट डेट, लोन हैज अ रीपेमेंट डेट एंड
मैडम को पूछा, यही गलती किया मैंने. लोन हैज अ रीपेमेंट डेट वेयर एज कैपिटल, डरना मत, मैं विदाउट आईपैड भी इसे कर सकता हूं. एंड कैपिटल इज टिल डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. कैपिटल इज टिल डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. कैपिटल इज टिल डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. आर यू क्लियर? वंडरफुल. अब हम क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये कौन किसको देगा? इट विल बी पेड बाय, बोलो, इट विल बी पेड बाय फर्म. टू हूम? पार्टनर. इट विल बी पेड बाय फर्म टू पार्टनर. ठीक है, कब पे करेंगे, क्या रेट पे करेंगे, वो बाद में. दिमाग में अभी दिमाग की बत्ती जलाओ. फर्म किसको देगी? तो फर्म का ये इनकम है, एक्सपेंस है. बुलशिट पाकिस्तानीज. इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. सब लोग चिल्ला रहे थे एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस. क्यों? मैंने तुमको परफेक्ट मामू बनाया. मैंने क्या पूछा? मैंने क्या, अच्छा लिखा गया वो. यार नसीब भी आएगा आएगा. मैंने क्या लिखा था? इट विल बी पेड बाय फर्म टू हूम? पार्टनर. फर्म टू पार्टनर. तो इमीडिएटली तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि ये एक्सपेंस है. एक चीज आप भूल गए, लॉ सीखा ना, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी 13(1)(c) राइट्स ऑफ पार्टनर. पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा होगा, उसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ राइट ओनली इफ फर्म हैज अ प्रॉफिट. सो एज पर पार्टनरशिप एक्ट, मैं अभी आईपैड छोड़ो एक्सप्लेन करता हूं. एज पर पार्टनरशिप एक्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल बाय द फर्म ओनली इफ फर्म हैज अर्नड अ प्रॉफिट. बच्चों, एनी अमाउंट विच इज पेएबल ओनली इफ देर इज अ प्रॉफिट, इट इज नोन एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. कान खोल के सुन लो, क्या फर्क है? देर आर टू क्लियर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. क्या वर्ड यूज किया मैंने? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. अ अमाउंट which is payable whether there is a profit or whether there is a loss is known as charge against profit. It is expenditure. Charge against profit matlab expenditure. Appropriation of profit means, appropriation of profit means distribution of profit. Appropriation of profit ka matlab kya hai? Distribution of profit. Interest on capital is nothing but mode of distributing the profit. How? I will explain. How? Interest on capital का मतलब क्या है? Profit को हम क्या कर रहे हैं? Distribute कर रहे हैं. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, Partnership Act बोल रहा है. Partnership Act बोलता है unless otherwise agreed between partners, interest on capital is, interest on capital is charge, sorry, interest on capital is appropriation of profit. Interest on capital is appropriation of profit. Are you clear with this? आप बोलेंगे why sir? How? Patience, 2 minutes, concept clear कर दूंगा. It is appropriation of profit as per Indian Partnership Act Section 13 likho. As per Indian Partnership Act Section 13, it is appropriation of profit. But ye act kab apply hota hai? If nothing is agreed between partners, can partners agree otherwise? Can partners say interest on capital is an expense? Yes,
पार्टनर्स कैन से, हम मैंने क्या बोला आपको, मैं क्या सिखा रहा हूं, प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट इफ नथिंग इज अग्रीड बिटवीन हुम पार्टनर, मतलब डीड में कुछ लिखा है क्या, नहीं, तो पार्टनर्स के बीच में अगर कुछ एग्रीड नहीं है तो क्या होगा, वो हम लर्न कर रहे हैं. आर यू क्लियर विद दिस? सुन लेना, इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. व्हाई? ऐसा क्वेश्चन करो, क्या क्वेश्चन किया तुमने, व्हाई? अज्यूम करो कैपिटल है तीन पार्टनर का 5 लाख. कितने आदमी लोग है बच्चों? 3. क्या नाम है इनके? ए बी सी. इसका 3 लाख है, इसका 1,50,000 है, और ससुरा सी का 50,000 कैपिटल है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है. तो बच्चों अगर फर्म ने प्रॉफिट कमाया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट ऑफ, इंटरेस्ट ऑन कैप इज एट द रेट ऑफ 10%, सिंपलिसिटी के लिए मैं कितना ले रहा हूं, 10%. और अगर फर्म ने प्रॉफिट कमाया, अज्यूम करो फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 1,90,000 का. ये प्रॉफिट कहां से कमाया? तुमने धंधा करके प्रॉफिट कमाया. प्रॉफिट इज व्हाट? प्रॉफिट इज इनकम माइनस एक्सपेंस. प्रॉफिट का मतलब क्या है बच्चों? अरे रिस्पांस दो ना यार. इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट. डू यू अग्री? वेरी गुड. इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट. आई कांट हियर. अब ये प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट एक्सपेंडिचर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस में नहीं आया है. एक्सपेंस में क्या आया? सैलरी टू एम्प्लॉईज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. ये आपके आइटम कहां पर आए? एक्सपेंस में आए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉ बोलता है ये ऐसा नहीं है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? पार्टनर को तुम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हो. कैसे? देखो मैं बोलूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाएगा रे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका मिला के कैपिटल कितना था? अरे बोलो, क्या रेट पे था? तो कितना जाएगा? 50,000. बैलेंस कितना है? 1,40,000. बच्चों डू यू हैव ब्रेन? हैव यू ब्रॉट इट टुडे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिस विल गो इन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल गो इन कैपिटल रेशियो. दिस विल गो इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अरे समझा क्या? डिफरेंस क्या है दोनों में? सिर्फ रेशियो बदल रहा है, बट दोनों में एक चीज कॉमन है. तुमने नोटिस किया क्या? एक चीज क्या कॉमन है? इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. हम सिर्फ प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग रेशियो में. हमने बेसिकली क्या बोला, 1,90,000 में से 50,000 क्या होगा? 1,90,000 में से 50 विल गो इन द रेशियो ऑफ कैपिटल एंड बैलेंस 140 विल गो इन व्हाट? PSR. हाँ है ना? PSR में गया. आर यू क्लियर विद दिस? एवरीवन इज क्लियर? दैट इज व्हाई लॉ सेज बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अप्रोप्रिएशन. मैंने तुमको कैसे फंसाया? मैंने क्या लिखा था? इट विल बी पेड बाय फर्म टू पार्टनर. इसलिए तुमने क्या भी बोला उसको? यू ट्रीटेड इट इज एक्सपेंस बिकॉज इट इज पेड बाय फर्म टू, जस्ट बिकॉज इट इज पेड बाय फर्म टू पार्टनर डज इट बिकम एक्सपेंस? फिर मुझे बोलो ये जो प्रॉफिट है 1,40,000 का, ये भी कौन किसको देता है? फर्म. एक्सपेंस हो गया क्या? हर जो चीज फर्म पार्टनर को पे करती है वो एक्सपेंस हो गई है. क्यों? प्रॉफिट भी तुम पे ही करते हो ना. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड what is a charge against profit and what is appropriation, proportion hai, appropriation. Main sikha gaya proportion chapter. Appropriation, appropriation matlab distribution. Dar mat. Vegetarian. So appropriation of profit alag hai
और एक्सपेंस अलग है, ये क्यों सीखा है मैंने? तुमने पी एंड एल किया होगा, एक्सपेंसेस आर शोन इन पी एंड एल अकाउंट, अमाउंट्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आर शोन इन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. पी एंड एल अप्रोप्रिएशन इज अ सेपरेट अकाउंट. चलो और एक चैप्टर को लेके जाता हूँ, फाइनल अकाउंट. देखो मैं आज किधर किधर घुमाया तुमको, लॉ में भी लेके गया था, मैथ्स में भी लेके गया, एडीडी भी लेके गया, डेप्रिसिएशन लेके गया बीच में, अभी फाइनल अकाउंट बाकी था ना, लॉ में भी लेके गया, बीसी के रह गया. सुन लो, फाइनल अकाउंट का चैप्टर याद करो, मां मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ता ट्रेडिंग अकाउंट, माता मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या दिखाता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ मैन्युफैक्चरर है, फिर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता था. देखो इधर दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. हे यूट्यूब पब्लिक, स्क्रीन देख, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, रॉ मटेरियल, वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉल्ड एज ओवरहेड्स, ये सब कुछ मिला के तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता था. वो तुम क्या करता था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से उसको ट्रांसफर करता था ट्रेडिंग अकाउंट, है ना. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में तुम स्टॉक दिखाते थे, रॉ मटेरियल का स्टॉक, WIP का स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स नहीं है, कोविड गया बेटा, रखना है रख ले, तेरे को नहीं ना, पक्का बोल. मा ता मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रॉ मटेरियल का स्टॉक, WIP का स्टॉक, रॉ मटेरियल, वेजेस, सब कुछ आ गया. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहां से ट्रेडिंग अकाउंट में आया, मैन्युफैक्चरिंग को क्रेडिट, ट्रेडिंग को डेबिट. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे आप, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या बोल देता उसको, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, व्हाट इज इट कॉल्ड एज, COGS, कंज्यूम नहीं, कंजम्पशन रॉ मटेरियल का होता है. फिनिश गुड्स को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, COGS, समझा करे. कंज्यूम कब बोलते हैं, रॉ मटेरियल को, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं हम, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. फिनिश गुड्स को हम कंज्यूम नहीं करते, तुम क्या कंज्यूम करते हो और क्या बेचते हो उतना तो फर्क समझना चाहिए ना यार. मैं एक फैन का प्रोड्यूसर हूँ, लेट्स से आई एम क्रॉम्पटन ग्रीव्स, मैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स हूँ, मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या है, स्टील इज रॉ मटेरियल, केबल्स इज अ रॉ मटेरियल फॉर मी, है ना. फैन क्या है मेरे लिए, फिनिश गुड्स है. फैन मैं कंज्यूम करूंगा या फैन बेचूंगा, स्टील बेचेंगे या कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम मतलब यूज है, फिर फिनिश गुड्स अलग ही होगा. सो यू कंज्यूम रॉ मटेरियल एंड यू सेल फिनिश गुड्स. सो ट्रेडिंग अकाउंट में हम रॉ मटेरियल का खर्चा दिखाएंगे, वेजेस का खर्चा दिखाएंगे, बाकी के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाएंगे. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में वहां से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में. ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखा, COGS और सेल्स का डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट. ट्रेडिंग अकाउंट रहे कमिनो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG, प्रोडक्शन, क्लोजिंग स्टॉक इधर रहता है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG, एड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG, COGS, इधर सेल्स, सेल्स माइनस COGS ग्रॉस प्रॉफिट, दैट ग्रॉस प्रॉफिट गोज टू P&L. P&L में बाकी का और कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम रहेगा, रेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, अगर ऐसा कोई इनकम रहेगा तो वो इनकम लिखोगे, एक्सपेंसेस लिखोगे, आएगा क्या प्रॉफिट, ये हो गया P&L. मा ता पा P&L अकाउंट, P&L पा अकाउंट, अ मा ता प, और फिर जो नेट प्रॉफिट है उसका हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. वो डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन,
बैलेंस शीट बोला रहे कोई तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाते हम, तो नेट प्रॉफिट हम कहां पे लेके जाएंगे? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में हम बोलेंगे इतना प्रॉफिट हुआ, उसमें से कुछ हम जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या है? कैपिटल रेशियो। अभी देखो ना, हमने एंड में लिखा था ना, अच्छा वाई के बाद इसने लिखा ही नहीं, वाई के बाद लिखा था ना मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गोज इन व्हाट रेशियो? कैपिटल रेशियो। एंड रिमेनिंग प्रॉफिट गोज इन व्हाट रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आर यू क्लियर? यस नो? वेरी गुड। सो ऑब्जर्व, ये गैप है आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है, और फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का जो अमाउंट बचता है वो बैलेंस शीट जाता है। बट वॉट इफ देर इज अ लॉस? अभी मैंने एग्जाम्पल जो लिया था उसमें कितना प्रॉफिट लिया? 190,000 का प्रॉफिट लिया ना। वॉट इफ देर इज अ, विल लर्न टुमारो।